हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग चाहते थे कि मैं पाटिल बहनों और उनके ओरिजिन के बारे में बताऊं, और कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मैं इंडियन विजार्डिंग स्कूल के बारे में बताऊं। इससे मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं हम हैरी पॉटर में इंडियन कनेक्शन ढूंढते हैं, इसलिए मैं आज एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम पाँच ऐसे इंडियन कनेक्शन देखेंगे जो हैरी पॉटर मूवी या बुक में है। पर इससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हम बात करते हैं पांच ऐसे इंडियन कनेक्शन की जो हैरी पॉटर मूवी या बुक में है। सबसे पहले फिफ्थ पर है एक स्पेल, यानी कि मंत्र। आपको याद होगा वो मंत्र जो मैलफॉय ने हैरी पर इस्तेमाल किया था जब वो लोग सेकेंड पार्ट में ड्वेलिंग क्लब में एक दूसरे का सामना करते हैं। सरपनसोटिया स्पेल सांप को बुलाने वाला मंत्र होता है, जो कि इंडिया में ही बनाया गया था। जेके रोलिंग के मुताबिक इंडिया के असली सपेरे दरअसल जादूगर या जादूगरनी होते थे जो सांप के ऊपर जादू करके उन्हें बुलाते थे, उन्हें नचाते थे और बदले में मगलुओं से पैसे कमाते थे। हालांकि ये जादू मंत्रालय की नजर में इलीगल था और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में इसके लिए सजा भी तय की गई थी। फोर्थ पर है कुछ एनिमल्स जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, जैसे कि ओकेमी, यति और सबसे इम्पोर्टेंट फिनिक्स। ओकेमी एक सांप होता है जिसके पंख होते हैं। यति, यानी जिसे कि हम हिम मानव, बिग फुट के नाम से भी जानते हैं या एबिनो मैन नाम से भी जानते हैं, इंडियन ओरिजिन के ही होते हैं, जिसे फैंटास्टिक बीस्ट बुक्स में बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट फिनिक्स का ओरिजिन भी इजिप्ट, इंडिया और चाइना में बताया गया है। थर्ड पर है नगीनी। नाम से ही पता चलता है कि नगीनी मतलब नागिन एक हिंदी वर्ड है और इसका ओरिजिन भी इंडिया में है। हालांकि यहाँ बहुत से लोग बोलेंगे कि जेके रोलिंग ने उसे इंडोनेशियन बताया है, या तक कि फैंटास्टिक बीस्ट मूवी में एक्ट्रेस भी इंडोनेशियन है। इंडोनेशिया में बहुत से लोग इंडियन ओरिजिन की है और ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं उनकी लैंग्वेज में जो हिंदी या संस्कृत से लिया गया है, इसलिए जेके रोलिंग को खुद भी ये कन्फर्मेशन नहीं थी कि ये एक संस्कृत वर्ड है और उसे इंडोनेशियन समझकर उन्होंने इसे इंडोनेशियन ओरिजिन बताया है, जिसे अमिश त्रिपाठी, जिन्होंने मेहुला सीरीज बुक लिखी है, करेक्ट भी किया था। सेकंड पर है पाटिल बहने। पार्वती और पद्मा पाटिल जुड़वा बहने थी जो हैरी के ही ईयर में थी और उसकी दोस्त थी। पार्वती ग्रिफिनडोर में थी बल्कि पद्मा रेवनक्लॉ, यानी कि चीलघाट में थी। हालांकि मूवी में दिखाया है कि दोनों गरुड़द्वार में ही थी, जो कि सही नहीं है। पार्वती हमेशा लिविंडर के साथ रहती थी जो बाद में रॉन की गर्लफ्रेंड बन गई थी, बल्कि पद्मा अपनी चीलघाट की फ्रेंड के साथ रहती थी। शायद किसी कैरेक्टर के बारे में बहुत चेंज किया गया है तो वो पाटिल बहने ही हैं, और ये बहुत डिप्रेसिंग लगता है कि उन्हें मूवी में कैसे दिखाया गया है। थर्ड बुक से पहले तक तो पाटिल बहनों का कोई रोल ही नहीं दिखाया गया है, सिवाय एक लाइन के कि जब नेविल हैरी और रॉन को बताता है कि पार्वती ने उसे बताया था कि हरमाइनी ने खुद को लड़कियों के बाथरूम में बंद कर लिया है, जबकि किताब में पार्वती और पद्मा दोनों का रोल सबसे पहले हाउस चुनने की टाइम बताया गया है। फिर जब उड़ने की पहली क्लास होती है तब पार्वती ग्रिफिनडोर में थी, इसलिए वो बहादुर थी। और जब मैलफॉय नेविल का मजाक उड़ा रहा था कि मोटे की शक्ल देखी थी, तो उसने मैलफॉय का सामना किया था और उसने मैलफॉय से कहा था कि वो चुप हो जाए, जिस पे पेंसी पार्किंसन, जो कि पार्वती को पहले से ही जानती थी, उसने उसका मजाक उड़ाया कि उसे रोतलू और मोटे बच्चे पसंद हैं। जब क्विडिच का मैच होता है तब हैरी सुनहरी गेंद पकड़ लेता है, तब हरमाइनी पार्वती को गले लगा लेती है। फिर जैसा मूवी में दिखाया गया है, नेविल हरमाइनी के बारे में बताता है। सेकंड बुक में बताया गया है कि जब हरमाइनी प्रोफेसर बिन्स से रहस्यमयी तहखाने के बारे में पूछती है और वो उसकी डिटेल बताते हैं, तब पार्वती अपनी सुरीली आवाज में पूछती है कि तहखाने को काले जादू से खोला जाता होगा, पर मूवी में सारा क्वेश्चन हरमाइनी पूछती है और जवाब प्रोफेसर मैकगोनिकल देती है। थर्ड बुक में प्रोफेसर ट्रिलोनी के सब्जेक्ट के बारे में जब जब बताया गया है, तब तब पार्वती और लेवेंडर का जिक्र किया गया है, वो इस सब्जेक्ट में कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी और सबसे ज्यादा सवाल जवाब ट्रिलोनी से वही किया करती थी, क्योंकि उन दोनों का ये फेवरेट सब्जेक्ट था और ट्रिलोनी उनकी फेवरेट टीचर थी। ट्रिलोनी को यकीन था कि पार्वती भी भविष्यवक्ता बन सकती है और उन्होंने पहली क्लास में कहा था कि वो लाल बाल वाले लड़के से सावधान रहे, जिससे पार्वती को रॉन पर शक हो गया था। इसके अलावा जब प्रोफेसर ल्यूपिन उन लोगों को रिडिक्युलस, यानी कि हास्यांतरम मंत्र सिखाते हैं, तब पार्वती भी आगे आती है, जिससे वह रुपया सांप में बदल जाता है, जिसे वो जोकर में बदल देती है। पर बुक में बताया गया है कि वह रुपया एक ममी में बदल जाता है और मंत्र पढ़ने के बाद वो अपनी पट्टियों में उलझ कर गिर जाता है। फोर्थ पार्ट में पार्वती और पद्मा दोनों का ही बहुत रोल है, इसलिए शायद मूवी वाले सीरियस हो गए और उन्होंने एक्ट्रेस चेंज कर दी।
सबसे पहले पार्वती का जिक्र आता है जब फॉरेन स्कूल के स्टूडेंट्स हॉगवर्ट्स आने वाले होते हैं और मैकगोनिकल पार्वती को झिड़क देती है कि वो उस मूर्तापूर्ण चमकने वाली तितली जैसे क्लिप को अपने बालों से निकाले जो उसने लगाई होती है। उसके बाद तब जब हरमाइनी हैरी को बताती है कि रॉन ने उसे बताया था, जो कि डीन ने पार्वती को बताया था, कि हैग्रिड हैरी को ढूंढ रहा है। उसके बाद इम्पोर्टेंट इवेंट आता है, यूल डांस। हैरी चो के साथ डांस में जाना चाहता था, पर चो सेड्रिक की गर्लफ्रेंड थी इसलिए वो मना कर देती है। रॉन ने फ्लर से पूछा था, सब जानते थे कि वो उसके साथ नहीं जा पाया था। जब डेट पास आ गई और उन दोनों को कोई लड़की नहीं मिली तो हैरी को सामने पार्वती और लेवेंडर दिखी। उसने पार्वती से पूछा तो वो तैयार हो गई, बल्कि जब लेवेंडर को रॉन के साथ जाने के लिए कहा तो लेवेंडर ने मना कर दिया क्योंकि वो सीमा से इसके साथ जा रही थी। जब हैरी ने पूछा कि क्या कोई और है जो रॉन के साथ जा सकता है तो पार्वती ने कहा कि वो अपनी बहन पद्मा से पूछ सकती है। मूवी में शायद इंडियन लड़कियों के ड्रेस और लुक्स को ऐसा इसलिए लिया जैसे कि वो कोई बहुत नॉर्मल लड़कियां हो, पर बुक में उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अलग है। जेके रोलिंग ने फोर्थ बुक में क्लियरली बताया था कि दोनों बहनें उनके ईयर की दिखने वाली सबसे खूबसूरत लड़कियां थी, पर मूवी में हमें सही तरीके से दिखाया नहीं गया, या तक कि उनकी ड्रेस के साथ तो पता नहीं क्या ही किया गया। हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि इंडियन लड़कियों के पास पहनने के लिए इससे कई बेहतर कपड़ों के ऑप्शन होते हैं जो वो प्रॉम यानी कि यूल डांस के इवेंट में पहन सकते हैं, पर पता नहीं एक हाथ में कांच की चूड़ियां कौन पहनता है ऐसे इवेंट में। ऐसा लगता है कि हैरी पॉटर मूवीज के कॉस्ट्यूम डिजाइनर को इंडियन ज्यादा पसंद नहीं थे, या फिर शायद हरमाइनी को इतना ज्यादा हाईलाइट करना था कि दूसरे लोग नजर भी ना आए। ऐसा नहीं कि ये एक्ट्रेसेस सुंदर नहीं थी, अगर आप इनके इंटरनेट पे पिक देखेंगे तो ये अच्छी दिखती थी, खासकर पद्मा तो काफी अच्छी दिखती है, पर मूवी में पता नहीं ऐसा क्यों दिखाया गया है। कपड़ों से लेकर मेकअप, बाल, चूड़ियां, सब कुछ बकवास दिखाई गई है। ऐसा लग रहा है जैसे बस जुड़वा होने के कारण वो सब मिक्स मैच करके पहनती थी, बल्कि बुक में बताया है कि पार्वती ने पिंक और पद्मा ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी, पर हमें क्या देखने को मिला हम देख सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग उनके काले बाल सुनहरी क्लिप से बंधे थे और हाथों में सोने की चूड़ियां थी। पार्वती बहुत खुश थी कि उसे हैरी पॉटर मिला है क्योंकि सबका ध्यान उसकी तरफ जा रहा था। पद्मा खास खुश नहीं थी क्योंकि वो रॉन की पार्टनर थी जो उसके साथ डांस नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के बाद दोनों की ही शाम बहुत बुरी गुजर रही थी क्योंकि दोनों के ही पार्टनर दूसरी लड़कियों को ताड़ने में लगे थे, हैरी चो चैंग को और रॉन हरमाइनी को। थोड़ी देर के बाद बॉक्स पैटर्न का एक लड़का आता है और पार्वती को ले जाता है। पार्वती ने साल के एंड तक उस लड़के के साथ डेट किया था जो कि उसने हरमाइनी को बताया था। थोड़ी देर बाद ही पद्मा भी डांस फ्लोर पर चली जाती है और बॉक्स पैटर्न का ही लड़का दूसरे लड़के को सेकंड्स में वहां ले आता है और वो चारों आधी रात तक डांस करते रहते हैं। मूवी में ये सीन थोड़ा सा दिखाया गया है जिसमें डर्म स्ट्रैंग का लड़का उन्हें ले जाता है, क्योंकि मूवी में डर्म स्ट्रैंग से सिर्फ लड़के आए थे और बॉक्स पैटर्न से सिर्फ लड़कियां आई थी। फोर्थ बुक में ही जब हैग्रिड जादुई प्राणियों की देखभाल पढ़ाना बंद कर देता है तो प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक आके पढ़ाने लगती हैं और वो यूनिकॉर्न्स के बारे में पढ़ाती हैं जो पार्वती को बहुत पसंद आती है। फिफ्थ बुक में पद्मा चीलघाट की प्रिफेक्ट बन जाती है, बल्कि गरुड़द्वार की हरमाइनी और रॉन होते हैं। इस पार्ट से डीए यानी कि डंबलडोर की सेना शुरू होती है और अम्ब्रिज के खिलाफ इस लड़ाई में पार्वती और पद्मा दोनों ही पहले दिन से हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ होती हैं। वो हर मीटिंग में आती हैं और जादू सीखती हैं। जब अम्ब्रिज ट्रिलोनी को स्कूल से निकाल रही होती हैं तो पार्वती और लेवेंडर बहुत रोती हैं, लेकिन जब फेरेंज उन्हें भविष्य सब्जेक्ट पढ़ाने लगते हैं तो वो दोनों ही उस पर फिदा हो जाती हैं, यह ना ध्यान देते हुए कि फेरेंज एक सेंटोर यानी कि आधा इंसान और आधा घोड़ा है, क्योंकि फेरेंज बहुत ही हैंडसम होता है दिखने में। OWL के एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पार्वती और लेवेंडर अपनी अपनी पेंसिल पर लोकोमोशन चार्म का यूज करती हैं और उन्हें रेस करवा रही होती हैं। एग्जाम में हैरी पार्वती के ठीक पीछे बैठा होता है और उसके घने काले बालों को देखते हुए सोचता है कि काश वो गुप्त घुसपैठ करके उसके दिमाग में घुसकर आंसर पढ़ सकता, जो कि उसे नहीं आता था। और पार्वती जब जब अपने बाल झटकाती थी उसकी आंखें चौंधिया जाती थी। सिक्स्थ बुक में लेवेंडर का रॉन से अफेयर हो जाता है जिससे पार्वती काफी बोर सी हो जाती है। कहीं ना कहीं उसकी और हैरी की हालत सेम होती है कि दोनों के ही बेस्ट फ्रेंड पूरे टाइम चिपके रहते हैं। डंबलडोर की मौत के बाद दोनों बहनों के पेरेंट्स तुरंत ही उन्हें हॉगवर्ट्स से घर ले जाते हैं, पर सेवेंथ पार्ट में उन्हें स्कूल फिर से आना पड़ता है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के शासन में हर मिश्रित और शुद्धखून जादूगरों के बच्चों को हॉगवर्ट्स में पढ़ना कंपलसरी कर दिया जाता है। पर जब फिर से डीए की टीम इकट्ठा होती है हैरी की मदद के लिए तो वो दोनों भी इसमें शामिल हो जाती हैं। उसमें वो डोलोहोव और ट्रेवर्स से लड़ती हैं।
कर्स्ड चाइल्ड में जब दूसरी दुनिया होती है तब रॉन की शादी पद्मा से होती है और उन दोनों का एक बेटा भी होता है, पर हम इसका जिक्र ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि वो इस सीरीज की बुक नहीं है। फाइनली फर्स्ट पर है जानलेवा मंत्र अवादा कवादरा, जो कि सबसे टॉप पर आता है मारक मंत्र। जेके रोलिंग ने ये मंत्र कहीं और से नहीं बल्कि आबरा का डाबरा से लिया है, जो कि बहुत बहुत पुराना अरेबियन वर्ड है जो इंडिया में जादू के लिए बहुत सालों से यूज किया जाता है। आबरा का डाबरा मंत्र इंडिया में जादूगर तब इस्तेमाल करते थे जब उन्हें कुछ जादू दिखाना होता है, पर आबरा का डाबरा बेसिकली हिंदी शब्द नहीं है, ये इसराइल का हिब्रू लैंग्वेज का शब्द है जिसका मतलब होता है आई विल क्रिएट एज आई स्पीक, मतलब जब मैं बोलूंगा तो मैं बनाऊंगा। बल्कि अगर इस शब्द का हम अरेबिक मतलब देखें तो निकलता है प्लेग, बीमारी की तरह खराब। ये काफी हद तक किसी को शाप देने जैसा ही है। खैर, इसका ओरिजिन दोनों में ही जो भी हो, हमें ये तो पता चलता है कि आबरा का डाबरा इंडिया में यूज होता था जब स्टेज पे जादूगर जादू करके करतब दिखाते थे। यहाँ तक कि इसी नाम की बॉलीवुड में मूवी भी बनाई गई है, जो कि मैंने तो नहीं देखी, पर अगर किसी ने देखी हो तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 5 कनेक्शन जो डायरेक्ट मूवी या बुक में हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जिसे इंडिया के जादूगर जादू का इस्तेमाल न करके उड़ने वाली कारपेट का यूज करते हैं, जैसे अलादीन में दिखाया गया है, या 422 क्विडिच वर्ल्ड कप जो कि 1994 में हुआ था उसमें इंडियन क्विडिच टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था, हालांकि वो फाइनल्स में नहीं पहुंच पाए थे। कलेल जो कि कर्नाटका का एक जादूगरों का विलेज है जिसके रेगुलर वेदर रिपोर्ट दैनिक जादूगर में बताया जाता है। रियल में भी मैसूर के पास एक गांव है इसी नाम का, जहां 3636 मेल और 3642 फीमेल रहती हैं, पर वो जादूगर हैं या नहीं ये तो पता नहीं। अब बात करें स्कूल की कि इंडिया में जादूगरी का कोई स्कूल है या नहीं, तो इंडिया क्या पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं बताया गया है, बल्कि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।